वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि पूछ रहा है आपसे मोनोसैकेराइड क्या है। क्या है मोनोसैकेराइड? क्या है, ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या है? ये आपका है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक, में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 1, 2, 3 को एक एक करके डिस्कस कर लिया। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा मोनोसैकेराइड क्या है, क्या होते हैं, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट आर मोनोसैकेराइड, डिस्क्राइब इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, या अथवा मैं आपसे और करके पूछ सकता है क्या क्या है और, तो ये देख लो। और आपके एक ये पूछ रहा है ग्लाइकोसाइड को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। बी पूछ रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं का वर्णन करना है। सी में आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से साइनोहाइड्रिन बनाने की विवेचना कीजिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से साइनोहाइड्रिन पूछ रहा है, किस तरह से बनाएंगे। कह रहा ऑक्सिम तथा ओसाजोन, क्या ऑक्सिम तथा ओसाजोन, ठीक है, बनाने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है, ऑक्सिम और ओसाजोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये जो आपका ओसाजोन है, ये हमने फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है और भी है अभी, पैरा लाइब्रेरी डी वाइवान, लाइब्रेरी डी वाइवान एकेंस्टाइल पुनर्विन्यास क्या है, इसकी अभिक्रिया सहित व्याख्या कीजिए। किसकी, लाइब्रेरी डी वाइवान, ठीक है। एफ में आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज में किण्वन की अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। ग्लूकोज में किण्वन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो बने रहिए और इसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग आंसर में आएगा तो लंबा ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका चलो हम देखते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक, मोनोसैकेराइड आपके आखिर क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। तो कह रहा है मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक अथवा एल्डिहाइडिक शर्करा को एल्डोज कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, इनमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों, क्या लगा हो, बहुत सारे आपके OH ग्रुप लगे हों, इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और उसमें क्या होगा, आप एक CHO ग्रुप लगा होगा, एक क्या लगा होगा, CHO ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, इसको ये जो OH ग्रुप लगे होंगे बहुत सारे, ठीक है, इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और एक ग्रुप क्या लगा होगा आपका CHO, जिसे हम क्या कहते हैं एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्रिक अथवा एल्डिहाइडिक शर्करा को एल्डोज कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, जिसपे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा उस शर्करा को हम एल्डोज कहते हैं। इसके इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कह रहा है जबकि कीटोनी शर्करा को, किसको, कीटोनी शर्करा को कीटोज कहते हैं। कीटोनी शर्करा मतलब पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे तीसरे किसी कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको लगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन आपकी क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं कीटोन, ठीक है, क्या कहते हैं कीटोन। और इस शर्करा को हम कहते हैं कीटोज, क्या कहते हैं कीटोज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा एल्डोज, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कीटोज, ठीक है, एल्डोज और कीटोज। अब कह रहा है अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार एल्डोज तथा कीटोज का पुनः वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है, एल्डोज तथा कीटोज का पुनः वर्गीकरण किया गया है। वो किस तरह से किया गया है, वर्गीकरण किया गया है इन वर्गों को एल्डोबायोज, एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज और एल्डोपेंटोज, एल्डोबायोज, एल्डोटेट्रोज और एल्डोपेंटेट्रोज, ट्रायोज, एल्डोपेंटोज और एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज आदि कहते हैं, ठीक है।
ये बायोज का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। ट्रायोज का मतलब क्या होता है आपका? तीन। टेट्रोज का मतलब क्या होता है आपका? चार। पेंटोज का मतलब क्या होता है आपका? पांच। और हेक्सोज, हेक्सोज कहते हैं छह को, ठीक है। हेक्सोज क्या कहते हैं? छह। तो ये संख्याएं होती है, ठीक है। कितने को डिनोट कर रहा है? दो को क्या? बायोज। तीन को ट्रायोज। और टेट्रोज कितने को? चार को। पेंटोज पांच को। हेक्सोज छह को, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका क्या है? ये सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, एक ये सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिक। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं? एल्डो बायोज। यानी कि इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। सी एच ओ ग्रुप कितने लगे हुए हैं इसमें? दो। एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है। यहाँ पर देखो, एक सी एच ओ, दो सी एच ओ और ये तीन सी एच ओ। ये आपको डॉट लगा ना, ये तो एक सी एच ओ, दो सी एच ओ और तीन सी एच ओ। तो इसको कहते हैं ग्लिसरिक एल्डिहाइड। और क्या हो जाएगा? ये एल्डो ट्रायोज। क्या हो जाएगा? एल्डो ट्रायोज। यानी कि तीन एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ देखो, एक सी एच ओ और इसमें तीन, इसमें है एक और तीन, कितने? चार। और एक ये पांच। तो ये क्या होता है? एराबिनोज। क्या होता है? एराबिनोज। इसको कहते हैं एल्डो पेंटोज। क्या कहते हैं? एल्डो पेंटोज कहलाता है, ठीक है। इसमें पांच एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ एक इसमें है चार, और एक ये पांच, और एक ये छः। तो इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज। क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज, क्योंकि इसमें छह सी एच ओ ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सी एच टू ओ एच और सी ओ, सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच और सी एच टू ओ एच। यहाँ कितने हैं? एक सी एच ओ एच, दो, तीन, चार और एक ये पाँच। और एक क्या लगा आपका? सी ओ ग्रुप। जहाँ सी ओ आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ, उसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। तो ये आपका क्या है? फ्रक्टोज है, ठीक है। फ्रक्टोज है और इसको कहते हैं कीटो हैग्जोज। क्या कहते हैं? कीटो हैग्जोज। एक कीटो ग्रुप है और छह, पांच क्या लगे हुए हैं आपके? ओएच ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हैग्जोज मतलब छह, छह कार्बन है आपके इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे, प्रकृति में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड, प्रकृति में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड मुख्य रूप से एल्डो पेंटोज होते हैं। क्या होते हैं? एल्डो पेंटोज और एल्डो हैग्जोज। एल्डो पेंटोज, एल्डो हैग्जोज और कीटो हैग्जोज होते हैं, ठीक है। एल्डो पेंटोज, एल्डो हैग्जोज और कीटो पेंटोज होते हैं। इनकी अगर हम गुण की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो भौतिक गुण को देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है मोनोसेकेराइड रंगहीन उदासीन पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं आपके? कलरलेस होते हैं, ठीक है। कलर लेस होते हैं, ठीक है, कोई रंग नहीं होता है। और कैसे होते हैं आपके? उदासीन, न्यूट्रल होते हैं। जिनका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। चखने में कैसे लगते हैं आपको? मीठे लगते हैं। ये भली भांति क्रिस्टलीकृत नहीं होते, पूरी तरह से ये क्रिस्टलीकृत नहीं होते, जैसे चीनी के दाने होते हैं। लाग गर्म करने पर भूरे हो जाते हैं तथा बिना पिघले हुए, ये बिना पिघले हुए द्रव में बिना जाए क्या हो जाते हैं? ये झुलस जाते हैं। ये जल में अति विलेय, यानी कि जल में बहुत ही जल्दी आसानी से घुल जाते हैं। अल्कोहल में अल्प विलेय, यानी कि अल्कोहलों में कम घुलते हैं, किसकी? जल की, जल की तुलना में। और कह रहे हैं ईथर में अभिलेय होते हैं, ईथर में बिल्कुल नहीं घुलते, जल में आसानी से घुल जाते हैं जल्दी, अल्कोहल में कम घुलते हैं जल की अपेक्षा, और ईथर में नहीं घुलते हैं, ठीक है, अभिलेय होते हैं। ये हो गए इसके भौतिक गुण। रासायनिक गुण की अगर हम बात करें, कह रहा है एल्डोज तथा कीटोज क्रमशः एल्डिहाइडो तथा कीटोनों की सभी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कौन? एल्डोज और कीटोज। किसकी? एल्डिहाइडो तथा कीटोनों की सभी क्रियाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कह रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों की सभी अभिक्रियाएं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलों की सभी अभिक्रियाएं भी ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे आपके ओएच ग्रुप उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये समान अणु में एल्डिहाइडी अथवा कीटोनी वर्ग एवं ओएच समूहों की उपस्थिति पर आधारित विशेष अभिलक्षणिक अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करते हैं। कह रहा मोनोसेकेराइड की और अधिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न है, जो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं उनकी अभिक्रियाएं कुछ नीचे दी गई हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर एक कह रहा है एसिटलीकरण। क्या है? एसिटलीकरण, ठीक है, एसिटलीकरण। तो ये क्या होता है एसिटलीकरण? जान लीजिए इसको, एसिटाइलेशन। मोनोसेकेराइडों को एसिटिल एसिटिक एनहाइड्राइड तथा अल्प निर्जल जिंक क्लोराइड, अल्प निर्जल जिंक क्लोराइड मतलब उसमें पानी नहीं होगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड में ZnCl2 के साथ गर्म करने पर एसिटलीकरण होता है। और इस प्रकार से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज पेंटा एसिटिल भी उत्पन्न बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के पेंटा एसिटिल भी उत्पन्न बनते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। क्या है आपका? ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है।
C6H12O6, H यहाँ पर कितने, पाँच, ओ सॉरी सात, और पाँच ये कितने हो गए, बारह, ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर, छः, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका C6H12 और O6, यही आपका इस तरह से लिख दिया, ठीक है। पांच OH ग्रुप को बाहर निकाल लिया और एक ऑक्सीजन का रहने दिया, कार्बन के साथ में रहने दिया, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। अब ये इसके साथ में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पांच OH ग्रुप जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ये जो पांच OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पांच निकल जाएंगे, ठीक है, ये पांच आपके बाहर चले जाएंगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, बचा हुआ आधा पार्ट, सॉरी ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं है, इसके आगे क्या होता है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है आपका, ये देखो हचपच हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो थोड़ा इधर कर दूँ, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये होगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से इतना वाला जो भाग है, ठीक है, कितना, इतना भाग आपका कहाँ लग जाएगा, जाके इस वाले भाग से लग जाएगा, ठीक है, इस वाले भाग से लग जाएगा और बाकी जो आपका OH पांच बचे हुए हैं वो इस वाले भाग से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CO और एक OH, ठीक है। तो पांच CH3 C डबल OH बन जाएंगे आपके, कितने, पाँच CH3 C डबल OH बन जाएंगे आपके, ठीक है, और पाँच ही आपके क्या बन जाएंगे, पांच ही आपके पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पांच OH हट जाएंगे और पांच ही आपके CH3 C डबल O आके लग जाएंगे, ठीक है, और उधर आपका एसिटिक एसिड भी इसके साथ में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एसिटलीकरण, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर दिया आपने किसकी, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की, ठीक है। तो पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बन जाएगा। ग्लाइकोसाइडों की प्राप्ति, ग्लाइकोसाइड किस तरह से फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसाइड का, ठीक है, कह रहा है जब पेंटोज, पेंटोसेस, क्या, पेंटोसेस तथा हेक्सोसेस को अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है, ठीक है, जिन्हें ग्लाइकोसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, ईथर को ही हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं, ठीक है, ईथर को ही क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड कहते हैं, ग्लाइको साइड कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके क्रमशः मेथिल ग्लूकोसाइड तथा मेथिल फ्रक्टोसाइड बनाता है, ठीक है, किससे क्रिया करके, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मेथिल एल्कोहल के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, मेथिल ग्लूकोसाइड और मेथिल फ्रक्टोसाइड बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी अभिक्रिया कुछ इस तरह से दे रखी है, किस तरह से बनता है आपका मेथिल ग्लूकोसाइड और मेथिल फ्रक्टोसाइड। तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, ये आपका क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल है कोई, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, मेथिल ग्लूकोसाइड, क्या बन जाएगा, ये आपका ग्लूकोसाइड है और इसमें लगा क्या हुआ है आपका, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, मेथिल ग्लूकोसाइड, और या इसको कहते हैं मेथिल फ्रक्टोसाइड, क्या कहते हैं, मेथिल फ्रक्टोसाइड, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप की उपस्थिति होती है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, बाकी आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड कह रहा है लवणों की प्राप्ति, मोनोसैकेराइड अति क्षीण अम्लीय होते हैं, कैसे होते हैं, अति क्षीण अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा चूने के साथ क्रिया करके, किसके साथ में क्रिया करके, चूने के साथ में क्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम लवण बनाते हैं, ठीक है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम लवण बनाते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज क्रमशः कैल्शियम ग्लूकोसेट, क्या, कैल्शियम ग्लूकोसेट, जो कि कैसा होता है, विलेय होता है, ठीक है, जल में घुल जाता है, और कैल्शियम फ्रक्टोसेट, क्या, कैल्शियम ग्लूकोसेट और कैल्शियम फ्रक्टोसेट, फ्रक्टोसेट कैसा होता है, अविलेय होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोसेट कैसा होता है, विलेय होता है, ठीक है, ये दोनों बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, क्या है आपका, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, और ये क्या है आपका, चूना, ठीक है, क्या है, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल 12, लेकिन ये कैसा है आपका, बुझा हुआ चूना है, ठीक है, कैसा है, बुझा हुआ चूना है, ठीक है।
ये आपका होता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बुझे हुए चूने के साथ में ये अभिक्रिया कर रहा है और क्या बनाएगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट। ये बन गया आपका कैल्शियम ग्लूकोसेट। एक हाइड्रोजन यहाँ ग्लूकोज से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एक OH, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। बकाया बचा हुआ इसका जो COOH है ये आके यहाँ पर लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ कह रहा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम ग्लूकोसेट अपघटित होकर, कैसा होकर, अपघटित हो जाता है और ग्लूकोज पुनः उत्पन्न हो जाता है। अब क्या करेंगे, जो आपका कैल्शियम ग्लूकोसेट बना है इसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे और ये अपघटित होकर क्या बनाएगा, पुनः दोबारा से आपका यह ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के पृथक्करण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पृथक्करण, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक ही साथ रखे हैं या उनका क्या बना हुआ है, कैल्शियम ग्लूकोसेट बना हुआ है, तो यहाँ से आप दोनों को क्या कर देना है, अपघटित कर देना है। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अच्छा, अपचयन की अगर हम बात करें, ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, जब मोनोसैकेराइड को सोडियम अमलगम, किसके साथ, सोडियम अमलगम के साथ जलीय विलयन में अपचयित करते हैं तो CO समूह पर दो हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त हो जाते हैं। किस पर, जो आपका CO समूह होता है कीटो ग्रुप वाला, ठीक है, कौन सा, कीटो ग्रुप वाला जो CO समूह होता है उस पर दो हाइड्रोजन आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपचयन की कंडीशंस होती है। ठीक है, दो हाइड्रोजन आ जाते हैं तथा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल प्राप्त होता है। अब क्या मिलेगा आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें लग जाएंगे। इस प्रकार ग्लूकोज सॉर्बिटाल बनाता है जबकि फ्रक्टोज आपका क्या बनाता है, दो समावयवी एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, जबकि ग्लूकोज केवल एक ही बनाता है, क्या, सॉर्बिटॉल, और फ्रक्टोज आपके दो बनाता है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बनाता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ पर दो हाइड्रोजन आके लगते हैं, ये क्या है आपका ग्लूकोज और ये क्या है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अंतर कितना है, सिर्फ इसमें सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है आपका CHO, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, होता क्या है, इसमें क्या होगा, जो सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर दो हाइड्रोजन आपके आके लग जाएंगे। क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर आकर लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन लगेंगे तो बन क्या जाएगा, तो ये भी CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका CH और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पर तो सेम बन जाएगा, जैसे कि ऊपर है आपका CHOH वैसे यहाँ पर भी CHOH बन जाएगा। ठीक है, तो देखो CH2OH और CHOH के कितने हो गए, चार, अभी कितने हैं, तीन, एक यहाँ से और बन जाएगा तो चार, बाकी क्या बचेगा आपका CH2OH बचेगा, क्या बचेगा CH2OH बचेगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण करने पर एल्डोज समान कार्बन परमाणुओं से युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, या तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन होंगे कैसे, समान कार्बन परमाणु वाले होंगे। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या ना कमेगी ना ज़्यादा होगी। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब या तो एक COOH ग्रुप लगा होगा या कितने लगे होंगे, दो COOH ग्रुप, ठीक है, एक और दो, यानी कि दोनों तरफ। किंतु जो आपका कीटोज होता है ऑक्सीकृत होकर कम संख्या वाले कार्बन परमाणुओं से युक्त अम्ल बनाते हैं, कम संख्या वाले मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कब, जब कीटोज के साथ रिएक्शन करेंगे, या तो चार हो जाएंगे या पांच हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार से ग्लूकोज तथा ब्रोमीन जल के साथ छीण ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के साथ छीण ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है आपका, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो भी कर दो इसकी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक CH2 और CHOH कितने लगे हुए, चार, एक क्या लगा हुआ आपका CHO ग्रुप। ठीक है, ये क्या ग्लूकोज, तो ये कौन सा ग्रुप होगा आपका, कीटो ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है, एल्डिहाइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज में होता है आपका कीटो ग्रुप, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर ये जो आपका CHO ग्रुप होता है ये किस में बदल जाता है, COOH में, किस में, CHO
ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बना लेता है, सी डबल ओ एच ग्रुप बना लेता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ये आपका सी डब्ल्यू एच ग्रुप बन गया और इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ यह दोनों सिरों पर ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि दोनों सिरों पर सी एच ओ एच लगा हुआ रहता है, वो दोनों सिरे क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं, ठीक है। और सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, क्या मिलता है वहां से आपको, सैकरिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। सी एच टू ओ एच और इधर आपका सी एच लगा, इसका कर दो ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन किसके साथ में, एच एन ओ थ्री के साथ में, एच एन ओ थ्री, ठीक है, एच एन ओ थ्री के साथ में इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी आपका एसिड सी डबल एच बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं सैकरिक एसिड, क्या कहते हैं, सैकरिक एसिड, ठीक है। ये वाला भाग भी आपका सी डबल एच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला भाग भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका, कह रहा है साइनोहाइड्रिन की प्राप्ति, तो ये साइनोहाइड्रिन किस तरह से बनता है ये आपको जानना है, साइनोहाइड्रिन की प्राप्ति, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ठीक है, मोनोसैकेराइड हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु का संयोग करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, किस क्या बनाते हैं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु का संयोग करके क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। वो किस तरह से बनते हैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, एच सी एन, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, क्या है, एच सी एन हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में जाके लग जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज में या तो कहाँ लगेगा आपका सी एच ओ, या कहाँ लगेगा आपका कार्बन कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड पे, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में आपका क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सी एच ओ बाहर लगा रहता है। फ्रक्टोज में क्या होता है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, जो कि पहले या दूसरे कार्बन पे लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे बाहर आपको दिख रहा है सी एच ओ ग्रुप, क्या दिख रहा है, सी एच ओ। अब यहाँ से एच सी एन जाके कहाँ लगेगा, इसी वाले कार्बन पे लग जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, सी एच, और इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके हाइड्रोजन के साथ में चला जाएगा, किसके, एच सी एन वाले हाइड्रोजन के साथ में चला जाएगा और क्या बना लेगा, ओ एच बना लेगा, बाकी लगा हुआ सी एन आपका यहाँ इस कार्बन से लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो स्ट्रक्चर इनका भी सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपका, ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो कीटो ग्रुप को दिखा रहा है, क्या है, ये कीटो ग्रुप है, ठीक है, फ्रक्टोज। अब क्या होगा, जो आपका एच सी एन होगा वो कहाँ लगेगा, इसका जो ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ में लगा हुआ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेगा, ओ एच, और ये दूसरा सी एन लगा हुआ ये डायरेक्ट जाके कार्बन से लग जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन का ऑक्सीजन कहाँ चला गया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में, और क्या बन गया, ओ एच, और ये दूसरा सी एन कहाँ, सीधे नाइट्रोजन से जाके लग गया, इसको कहते हैं हम फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, क्या कहते हैं, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण इस तरह से होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन हम किसके साथ में करा देते हैं, एच सी एन के साथ में करा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करा देते हैं, ठीक है, किसी भी मोनोसैकेराइड की, मोनोसैकेराइड आपका ग्लूकोज हो सकता है और फ्रक्टोज हो सकता है। नेक्स्ट सेवन कह रहा है ऑक्सिमो की प्राप्ति, किसकी, ऑक्सिम को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सिम को हम किस तरह से बनाते हैं, कह रहा है मोनोसैकेराइड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जल के एक अणु को विलुप्त करके ऑक्सिम बनाते हैं। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, NH2OH, क्या, ये हो गया आपका NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जल के एक अणु को खोकर या विलुप्त करके, इसमें से जल का एक अणु निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ऑक्सिम बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ऑक्सिम बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सी एच टू है, यहाँ सी एच थ्री नहीं है, सी एच टू ओ एच और सी एच ओ एच का होल फोर, ठीक है, चार बार सी एच ओ एच लिखे हैं और बाकी आपका सी एच ओ ग्रुप एक बाहर लगा हुआ है। ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या है, ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इसका जो हाइड्रोजन दो लगे हुए हैं एनएच टू से NH2 इस तरह से, और बाकी क्या लगा हुआ आपका OH, तो ये दोनों हाइड्रोजन कौन से वाले, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे,
इस वाले ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है, H2O। बकाया ये NOH भाग जो बचेगा वो इस वाले कार्बन और कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन के साथ में अटैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये CH और NOH और बाकी ये आपका H2O बाहर बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये जो बना हुआ पदार्थ है आपका ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोज ऑक्सिम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ग्लूकोज ऑक्सिम। तो ऑक्सिम को आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है, क्या करना है, मोनोसैकेराइड आप चाहे ग्लूकोज ले लो या आपको क्या लेना है, फ्रक्टोज लेना है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज लोगे तो इसमें जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा होगा ये ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा, किसके साथ में, नाइट्रोजन के, दोनों हाइड्रोजन के साथ में, और वहां पर जाकर क्या लग जाएगा, NOH आपका जाके वहां पर लग जाएगा, ठीक है, NOH। और इसमें क्या था, ग्लूकोज में क्या था, CHO ग्रुप लगा होता है, तो इसी कार्बन का आपका CHO से ऑक्सीजन चला जाएगा किसके साथ में, नाइट्रोजन पे, जो दो हाइड्रोजन है इनके साथ में, बकाया NOH जाके इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस तरह से आपको प्राप्त करना है, ठीक है, ये किसका था, ग्लूकोज का। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज में कुछ इस तरह से बनता है, देखो उसी कार्बन पे जाके आपका लग जाएगा, ठीक है, ये क्या है आपका, फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज, सॉरी यहाँ तक है, ये हो गया आपका फ्रक्टोज, ठीक है, CH2 और CH3 का होल थ्रेड COCH2OH, और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसकी इसकी जब रिएक्शन इसके साथ में करोगे तो यहाँ पर जो आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा है ये किसके साथ, H2N यानी कि NH2 और OH, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन के साथ में ये बाहर चला जाएगा जल के रूप में, ठीक है, और इस कार्बन से सीधे आके क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड NOH, क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड NOH आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और क्या कहलाएगा, ये फ्रक्टोज ऑक्सिम क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज ऑक्सिम बन जाएगा, ठीक है। एट नंबर कह रहा है ओसाजोन की प्राप्ति, जो आपका ओसाजोन है उसकी प्राप्ति हम कैसे करते हैं, ओसाजोन को किस तरह से बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन की बात करें तो कह रहा है मोनोसैकेराइडों को, जब किसको, मोनोसैकेराइड चाहे आपका ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओसाजोन की प्राप्ति किसको, मोनोसैकेराइड को जब क्या करना है, मोनोसैकेराइड को फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन आपका होता है C6H5NH और NH2, ये होता है आपका फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, क्या बनेगा, पहले फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा लेकिन फिर बाद में क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन के आधिक के साथ गुनगुना करते हैं, यानी कि दोबारा से इसके साथ में इसको ट्रीट कराया जाता है, हल्का गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, डाइफिनिल हाइड्रोजन बनता है, क्या बनता है, डाइफिनिल हाइड्रोजन, यानी कि दो मॉलिक्यूल इसके जाके उस पर लग जाते हैं, जिसे ओसाजोन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम ओसाजोन कहते हैं, कब, जब आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज पे दो इसके मॉलिक्यूल जाके लग जाए, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन के, तो वही क्या कहलाता है आपका, ओसाजोन कहलाता है। फिशर द्वारा स्पष्ट की हुई क्रिया विधि के अनुसार सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, उसके बाद में क्या होगा, एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह का निकटवर्ती हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का, यानी कि पहले कार्बन का या दूसरे कार्बन के पास वाला जो OH ग्रुप होगा, ठीक है, कौन सा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फिनाइल हाइड्रोजन के तृतीय अणु के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाएगा। अब फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल आपके यूज होंगे, इसमें तीन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज निम्न प्रकार से ग्लूकोसाजोन बनाता है, तो किस तरह से बनाएगा, देखो यहाँ इसका ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहले आपको इतना देखना है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है, ठीक है, ये क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, ठीक, तो ये आपका CHO और CHOH का होल थ्रेड, ठीक है, और दूसरा क्या आपका CH2OH, ये आपका क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन आपको किसके साथ में करनी, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, किसके, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो ये कहाँ लगेगा, ये रिएक्शन कहाँ पर करता है, वहीं पर करता है जहां पर आपका CHO या सी डबल बॉन्ड ओ लगा हो, क्या लगा हो, CHO या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपका लगा हो, ठीक है, ये ऑक्सीजन को हटा के और सीधे डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन इसका अटैच हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लगा था, CHO लगा था, ठीक है, क्या लगा हुआ था आपका CHO, इसको किस तरह से लिख लिया गया, इसको लिख लिया इस तरह से C और इससे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। अब ये आएगा फिनाइल हाइड्रोजन आएगा, किस तरह से आएगा, ये आएगा H2N, सॉरी
लो NH2 लिख दिया मैंने, NH2, NH और C6H5, ठीक है इस तरह से। और ये क्या करेगा, फिनाइल हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा अपने साथ और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और ये नाइट्रोजन ये वाला नाइट्रोजन सीधे डबल बॉन्ड से कार्बन से लग जाएगा, ठीक है सीधे डबल बॉन्ड से कार्बन से लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बाकी तो आपका सेम है जो कहते हो, कुछ नहीं देखना है। साथ में H2O निकल गया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन क्या बन गया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन फर्स्ट मोल से इसकी रिएक्शन कराइए, ठीक है एक मोल लिया है इसका हमने। तब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे देखो भाई ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन ही है आपका। अब दूसरा क्या है, दूसरा कार्बन ये सेम है ना भाई, वही वाला जो हमने अभी लिया था। अब इसके बाद क्या करना है, दोबारा से हमें फिनाइल हाइड्राजोन के साथ में रिएक्शन करानी है। क्या करानी है, दोबारा से फिनाइल हाइड्राजोन के साथ रिएक्शन करानी है। तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन जहां CHOH लगा हुआ है यहां से क्या करेगा, यहां से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। पहले हाइड्रोजन कहां रिएक्ट करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सबसे पहले इनको रिएक्ट करे, इनको बाहर निकालेगा ये अपने साथ। तो ये फिनाइल हाइड्रोजन है आपका, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, किसको निकालेगा, दो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NH3 बन जाएगा, ठीक है नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका C6H5NH2, क्या बन जाएगा C6H5NH2 आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके साथ NH2 के साथ, और ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा आपका, यहाँ तो NH2 बना लेगा, ठीक है NH3 और NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये बन गया, ठीक है। इसके बाद अब ये जो बना हुआ है, अब हमें ये मिल गया, ठीक है क्या मिल गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके साथ में दोबारा हमने क्या करना है, फिनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन दोबारा से करानी है, ठीक है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमें मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में करा देंगे, ठीक है। सॉरी क्या हो रहा है, ये कुछ यहां पर आ गए, ये है आपका, ठीक अभी क्या था हमारा, इसकी रिएक्शन करा दी हमने, क्या मिल गया हमें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। अब ये जो हमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला है दूसरे कार्बन नंबर पे, इसकी दोबारा से हमें क्या करना है, इसकी ये दोबारा से यानी कि ये कौन सा है हमारे पास, तीसरा मोल है, कौन सा है, तीसरा मोल है, ये दोबारा से इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा, जैसे पहले यहाँ पर H2N, सॉरी ये H2 है और N, फिर NHC6H5, ठीक है ये इसी को मैंने घुमा के लिख दिया है। तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, बाकी ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है ये नाइट्रोजन आपका डायरेक्ट लग गया, ये आपका H2O निकल गया। तो यहाँ पर दो आपको दो बार फिनिल हाइड्रोजन लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन, ठीक है या ओसाजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसाजोन कहते हैं। ग्लूकोज लगा होगा तो ग्लूकोसाजोन हो जाएगा, फ्रक्टोज लगा होगा तो आपका फ्रक्टोसाजोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने किसके साथ कराया, ग्लूकोज के साथ कराया, तो ग्लूकोज में ओसाजोन और लगा दो, क्या हो जाएगा, ग्लूकोसाजोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जीन नहीं है, ग्लूकोसाजोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो था आपका ग्लूकोसाजोन। इसी तरह से हमने क्या बनाना है, फ्रक्टोज के साथ में रिएक्शन करनी है हमें एनहाइड्राइड की, और क्या मिलेगा, फ्रक्टोसाजोन मिलेगा, ठीक है। किस तरह से, इस प्रकार से फ्रक्टोज फ्रक्टोसाजोन बनाता है। तो ये क्या है आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या होता है, दूसरे वाले कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कीटोन ग्रुप आपका लगा रहता है। तो ये सबसे पहले कहाँ रिएक्शन करेगा, दूसरे वाले कार्बन पे, और जल को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और दोबारा से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में इस तरह से जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। ये अब क्या है, अब दोबारा से रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा, जो CHO ग्रुप है वहां में से किसी को हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, उसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेगा। देखो कहाँ, ये ये है आपका, जी तो ये कहाँ पर लग गया, पहले दूसरे कार्बन पे जाके लग गया। अब इसका ये जो दूसरा मोल है, कौन सा दूसरा मोल है, ये क्या करेगा, पहले क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है आपका CHOH, क्या लगा हुआ है CHOH,
तो ये क्या करेगा, ये दोबारा आएगा और कहां पर अटैक करेगा आपका, यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, कहां पर अटैक करेगा, यहां पर, पहले इस स्टेप में ये यहां अटैक करेगा और यहां से क्या करेगा, OH को हाइड्रोजन को यहां से बाहर ले जाएगा, ठीक है, क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा और NH3 बना लेगा और C6H5NH2 बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये CHO ग्रुप मिल गया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, यहाँ से क्या करेगा, ये नाइट्रोजन वाले दो हाइड्रोजन साथ में किसके, ऑक्सीजन के साथ में चले जाएंगे और ये जो नाइट्रोजन है इसका ये दो डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड N, फिर NH C6H5, सी डबल बॉन्ड N NH C6H5, इसके दो मॉलिक्यूल आके यहाँ पर लग गए किसके, फिनाइल हाइड्रोजन के, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ओसा जोन, लेकिन ये किसकी बात है, फ्रक्टोज की बात है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रक्टोसा जोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओसा जोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी आपको मोनोसैकेराइड लेना है, चाहे आपका वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों के साथ में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मॉलिक्यूल लेना है किसका, फिनाइल हाइड्राजीन का, जो कि कार्बन, जो कि CHO या C डबल बॉन्ड O पर आपका अटैक करेगा, वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा, जल के ऑक्सीजन को निकाल देगा, NH2 से दो हाइड्रोजन और CO से एक ऑक्सीजन लेके आपका H2 बन जाएगा जो बाहर निकल जाएगा, और कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ में आपका नाइट्रोजन और बाकी पीछे का पूरा पोर्शन उससे जाके लग जाएगा। ये प्रक्रिया हमें 3 बार करनी होती है, कितनी बार, 3 बार, और आपका फाइनली क्या बन जाता है, फ्रक्टोसा जोन बन जाता है, ठीक है। पहले और दूसरे कार्बन पर हमें क्या लाने, दो मॉलिक्यूल लेके आने हैं, ठीक है, किसके, फिनाइल हाइड्रोजन के। तो इस तरह से हमारा ओसा जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से प्राप्त ओसा जोन सरलतम रूप होते हैं, कैसे होते हैं, सरलतम रूप होते हैं, इनकी संरचना केवल उन दो कार्बन परमाणुओं पर भिन्न होती है, कहां, जहां ये लगते हैं, ठीक है, इसमें क्या था, पहले और दूसरे कार्बन पे, ठीक है, उन दो कार्बन परमाणुओं पर भिन्न होती है जो कि ओसा जोन प्राप्ति में भाग लेते हैं, ठीक है, जहां आपका फिनाइल हाइड्रोजन लगता है, केवल उन्हीं कार्बन परमाणुओं की जो संरचना है वो कैसी होगी, भिन्न होगी। ओसा जोन पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसकी प्राप्ति शर्करा की पहचान की जाती है, इसकी प्राप्ति से शर्करा की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। 9, अगला आपका 9 नंबर कह रहा है लैब्रोडीवाइवान, क्या, लैब्रोडीवाइवान, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, लैब्रोडीवाइवान 9 नंबर है, लैब्रोडीवाइवान एकेनस्टाइन पुनर्विन्यास, ठीक है, लैब्रोडीवाइवान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, क्या होता है, रीअरेंजमेंट, तो ये किस तरह से होता है और किसको कहते हैं, कह रहा मोनोसैकेराइड को क्षारों के तनु विलयन के साथ गुनगुना करने पर, क्षारों के तनु विलयन के साथ हल्का हीट करने पर विशेष पुनर्विन्यास होता है, जिसके फलस्वरूप समावयवी शर्करा का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, समावयवी दोनों उसके अवयव कैसे होंगे, दोनों के समान होंगे, ठीक है। और कह रहा है इस प्रकार से डी ग्लूकोज को, क्या, डी ग्लूकोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH के तनु विलयन के साथ गुनगुना करने पर क्या मिलेगा आपको, डी ग्लूकोज, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ गर्म करने पर डी ग्लूकोज डी मैनोज डी फ्रक्टोज का मिश्रण मिलता है, क्या मिलता है, डी ग्लूकोज डी फ्रक्ट मैनोज और डी फ्रक्टोज का मिश्रण आपको यहाँ पर मिल जाता है। वो कुछ इस तरह से यहाँ पर मिश्रण आपका दे रखा है, देख लो इसको, ये क्या है आपका, डी ग्लूकोज, ठीक है, दो अणु, कितने, दो अणु है डी ग्लूकोज के, क्या बनाएंगे, ये बनेगा आपका अल्फा मैनोज और अल्फा फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा डी मैनोज, ठीक है, या तो यहाँ पर डी मैनोज हो गया या वहां पर अल्फा मैनोज होगा, ठीक, अल्फा ग्लूकोज, तो ये अल्फा मैनोज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा फ्रक्टोज हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है, यहाँ फर्स्ट वाले कार्बन पर देखो आपका क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, क्या है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और यहाँ पर देखो पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, इसे कहते हैं फ्रक्टोज कहते हैं, और ये ग्रुप कौन सा है आपका, कीटो ग्रुप है, कौन सा है, कीटो ग्रुप है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज, ग्लूकोज को मैनोज फॉर्म कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। कह रहा उपर्युक्त पुनर्विन्यास 1-2 इनोलीकरण होता है, उपर्युक्त पुनर्विन्यास में इसमें क्या होगा आपका 1-2 इनोलीकरण, इसको कहेंगे 1 और इसको कहेंगे 2, 1-2 इनोलीकरण। टॉप के अनुसार दो ज्यामितीय समावयवी समवर्ती होते हैं, दोनों ही फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, फ्रक्टोज में
परिवर्तित हो जाते हैं। किस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं ये देख लो, यहाँ पर आपका दे रखा है ये, इसकी अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर एक और ये कार्बन नंबर दो, ठीक है, क्या है कार्बन नंबर एक और कार्बन नंबर दो। कार्बन नंबर एक से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस पर चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो दूसरे कार्बन के अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी एच और क्या लगा हुआ है आपका ओ एच, क्या लगा हुआ है सी एच ओ एच, ठीक है जी। यहाँ पर डबल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं चार इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, इस वाले बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा इस कार्बन पे आपका प्लस का चार्ज। तो इसको फुलफिल करने के लिए इस वाले हाइड्रोजन को भी हमें यहाँ से रिमूव करना होता है। तो ये हाइड्रोजन जब हटेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में पहुँच जाएगा, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन आपका हट गया है और कहाँ पहुँच गया, ऑक्सीजन के साथ में पहुँच गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसी पोजीशन, इसी को हम क्या कहते हैं इनोलीकरण, ठीक है, ये क्या कहलाता है इनोलीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो पहले क्या था आपका, ये कीटोन था, कीटोन से क्या हो गया अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो कीटो से इनोल अल्कोहल में कन्वर्ट किया कहलाता है इनोलीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से अगर हम डी मायोज की बात करें, इसमें बन टू इनोला बन टू डाई इनोल हुआ है, ठीक है। अब देखो दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से इसका हाइड्रोजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वाले बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या इस पे कैसा आ जाएगा माइनस का चार्ज, कार्बन पे कैसा आ जाएगा प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब क्या होगा इस वाले हाइड्रोजन को जब आप हटाओगे तो ये हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन के साथ पहुँच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जो कि दोबारा से आपको कौन सी संरचना मिल जाएगी देखने को, यही संरचना आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये आपका क्या है डी फ्रक्टोज है, क्या है डी फ्रक्टोज है, ठीक है। इसका भी कीटो इनोल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला हट जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो ये है आपकी कीटो इनोल फॉर्म। 10 थोड़ा सा और बचा हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछा है इसमें, जितना पढ़ सको पढ़ लेना, वीडियो स्किप मत करना, कुछ ना कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। जब डी मैनोज अथवा डी फ्रक्टोज को क्षार के तन विलयन के साथ क्रिया कराएं तो समान मिश्रण प्राप्त होता है, कैसा समान मिश्रण प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया की उत्क्रमणीय प्रकृति को दर्शाता है, उत्क्रमणीय, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी को दर्शाता है। अभिक्रिया इधर भी हो सकती है आपकी, अभिक्रिया इधर भी हो सकती है, यानी कि ए से अगर आपको बी मिल रहा है तो बी से आपको ए भी मिल जाएगा, ठीक है। 10 आपका को किण्वन पूछ रहा है, ठीक है, 10 नंबर पे आपका क्या पूछ रहा है किण्वन या फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन को बताइए क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक शर्करा जैसे आपका ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया आदि ईस्ट की उपस्थिति में किण्वित होकर एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, किण्वित मतलब इनको फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया गलाया जाता है, ठीक है। कोई भी आप सीरा ले लो या ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनकी अगर आप तरल अवस्था लोगे या इनको किसी जल में भिगो कर रख दोगे, उसमें थोड़ा सा आप ईस्ट डाल दोगे, क्या करना है उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देना है, तो क्या करेंगे उसको समय से पहले ही मतलब उसको गला देगा, सड़ा देगा या फुला देगा, स्पंजी बना देगा, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं किण्वन करने से आपको क्या मिलता है, उससे हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्या मिलता है एल्कोहल आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये लो आपका, ये आपका आ गया ग्लूकोज, ठीक है, इसमें क्या डाल दिया ईस्ट डाल दिया, क्या डाल दिया ईस्ट, और इसका क्या हो जाएगा फर्मेंटेशन हो जाएगा, यानी कि समय से पहले ही आपका फूल जाएगा, इसमें झाग बन जाएंगे, सड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसके दो मॉलिक्यूल आपको किसके मिल जाएंगे, एथिल एल्कोहल के, प्लस क्या मिल जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही लिखा है किण्वित होकर एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। सभी मोनोसैकेराइड किण्वित नहीं होते हैं, सभी मोनोसैकेराइड आपके किण्वित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का ये था हमारा आज का, ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, और इसी में साथ साथ बहुत कुछ पूछा था आपसे ए से लेकर एफ तक, ठीक है,
ए से लेकर आपके एफ तक पॉइंट थे जो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।